पीएम के दौरे की अहम बातें हम बता रहे थे कुमार कुंदन। ये बताइए कि इस वक्त पालम एयरपोर्ट के बाहर जो लोग मौजूद हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने देखा जो लोग वहां पर प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए पहुंचे थे, उन्होंने हिंदुस्तान के सारे रंग समेटने की कोशिश की है एयरपोर्ट के बाहर। जो रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था, वो बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हमारे सामने आई। इस वक्त क्या चल रहा है और जो लोग अगवानी के लिए खड़े हैं उनके मन में क्या है? मैं तस्वीरों के माध्यम से ये ज्यादा दिखाने की कोशिश करूंगा। कैमरामैन गजेंद्र को बताऊंगा कि एक बार प्लीज जरा तस्वीरें दिखाएं। ये तस्वीरें पालम एयरपोर्ट के ठीक सामने की है और आप देखिए एक तरीके से मिनी इंडिया की यहाँ झलक आपको नजर आएगी। एक तरफ भांगड़ा हो रहा है तो दूसरी तरफ दक्षिण भारत के पारंपरिक लोक नृत्य की भी झांकी यहाँ पे देखने को मिल रही है। बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। पालम एयरपोर्ट से लेकर दिल्ली कैंट तक के एरिया को अलग अलग जिलों में बांटा गया है। किस तरीके से लोग प्रधानमंत्री के आने का सेलिब्रेशन कर रहे हैं? देखिए, हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है कि पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत को सम्मान मिल रहा है और उनके मार्गदर्शन में जो ऊंचाइयों को हम लोग छू रहे हैं, आज पूरी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, दिल्ली के नागरिक उनके अभिनंदन के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जो मिनी इंडिया की झलक दिखा रहा था समीर, ये देखिए, ये दिल्ली 6 का पारंपरिक जो है वाद्य यंत्र यहाँ पर दिख रहा है और इसके पहले पीछे मैंने आपको भांगड़ा दिखाया था। अगर मैं और थोड़ा आगे जाऊँ तो यहाँ पे भांगड़ा आपको दक्षिण भारत का भी जो है नृत्य देखने को मिलेगा। कितनी एक्साइटेड है आप सब इसको लेके? हम इतना ही कहना चाहते हैं कि भारत में ऐसा पहला प्रधानमंत्री आया है जो देश नहीं विदेशों में भी जाके अपना झंडा लहरा कर आया है। आज हम उनके स्वागत के लिए सारे कार्यकर्ता, सारे पब्लिक इकट्ठे हुए हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो एक्साइटमेंट। चलिए कुमार कुंदन, मैं लौटता हूँ आपके पास। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के झंडे और देश का तिरंगा लहराते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त पालम एयरपोर्ट के बाहर नजर आ रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की तैयारी की जा रही है। वहीं डल झील के खूबसूरत नजारे के बीचों बीच खड़े हुए हमारे संवाददाता इरफान कुरैशी आपको नजर आ रहे हैं। इरफान, आवाज तो मिल रही है ना, जरा बताइए क्या हो रहा है वहां पर? जी मिल रही है इसबीर, आप पूछें। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कार्यक्रम का की शुरुआत हो गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कुछ ही पल पहले यहाँ पहुंचे हैं। हाँ। और आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं, ऊपर साफ तौर पर पैराग्लाइडिंग का जो शो है वो दिखाया जा रहा है। इससे पहले पैरा मोटर्स ने भी यहाँ पर अपनी कलाबाजी दिखाई और कुछ ही क्षणों में, यानी कुछ ही पलों में यहाँ पर एयरक्राफ्ट जो है फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसमें मिग के साथ साथ सुखोई जो ऐतिहासिक मौके पर यहाँ मौजूद होंगे वो भी अपनी कलाबाजी दिखाएंगे। और आप देख सकते हैं तिरंगे के साथ, मुर्तजा अगर जूम कर पाए, तिरंगे के साथ आप देख सकते हैं ग्लाइडर्स आसमान में उड़ान भरते हुए इन हसीन नज़ारों के बीचों बीच। समीर, ऐतिहासिक पल है और इन ऐतिहासिक पलों को पूरा देश आज यहाँ से इन हसीन नज़ारों से देख रहा है। वहीं 3,000 के आसपास छात्र इस मौके का यहाँ पर आनंद भी ले रहे हैं और इंडियन एयरफोर्स के इतिहास और उपलब्धियों के बारे में उनको सीख और जानकारियाँ मिल रही हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यहाँ खुद मौजूद हैं और उनके साथ जो है बीआर कृष्णा, वेस्टर्न एयर कमांड ऑफिसर, कमांडर इन चीफ भी मौजूद है, कुछ और डिग्निटरीज भी मौजूद है। इवेंट का जो नाम है वो गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स इसलिए समीर रखा गया है क्योंकि कहीं ना कहीं आज यहाँ से कई ऐसे कश्मीरी छात्र नौजवान मौजूद है जिन्हें इंडियन एयरफोर्स की और जो है मोटिवेट करने के लिए यहाँ कई चीजें बताई जा रही हैं। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद किस तरह से जम्मू कश्मीर की फिजा बदली है और इस तरह के एयर शोज जब होते हैं तो जम्मू कश्मीर के युवाओं में भी रुझान जो है एयरफोर्स ज्वाइन करने का, अपने देश का नाम रोशन करने का, ये बढ़ेगा। तो तमाम जो छात्र छात्राएं हैं वो किस तरह से इंस्पायर होंगे इस इवेंट से, इसका भी हमें बखूबी अंदाजा है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कुरैशी और कुमार कुंदन, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।